हेलो नीट एस्पिरेंट्स, एनटीए की तरफ से एक न्यू अपडेट आई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नीट यूजी 2024 का जो एग्ज़ाम है वो 5 मई 2024 को कंडक्ट होने वाला है। तो इस रिगार्ड में जो नीट एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन है वो 9 फरवरी से स्टार्ट हुई थी और उसका जो लास्ट डेट है वो 9 मार्च था। इसके बाद दोबारा से इसकी डेट्स एक्सटेंड की गई थी 16 मार्च तक। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स को आधार कार्ड और फ़ोन की लिंकिंग करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसको देखते हुए नीट एग्ज़ाम की जो रजिस्ट्रेशन है ये फिर से एक्सटेंड की गई है 2 डेज़ के लिए। तो ये कल से फिर से जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो ओपन होने वाली है, यानी कि 9 अप्रैल से, और ये 10 अप्रैल तक वैलिड रहेगी। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो ओपन होगी 10:50 PM तक, और जो फी सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है अप टू 11:50 PM। यानी कि 9th और 10th अप्रैल को आप 10:50 PM तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9th अप्रैल से स्टार्ट होगा और 10th अप्रैल 10:50 PM तक इसका लास्ट डेट रहेगा रजिस्ट्रेशन का, और रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने का जो लास्ट डेट है वो 10th अप्रैल अप टू 11:50 PM। कैंडिडेट्स कोई भी इसमें अपना आइडेंटिफिकेशन, कोई भी आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए और ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक आधार कार्ड तो पहले से यूज़ हो रहा था, तो अगर जिन कैंडिडेट्स को कोई इशू नहीं आता है वो आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या आप डिजी लॉकर अगर यूज़ करते हैं उसमें कोई भी आपका आईडी प्रूफ है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई और आईडी हो लाइक पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आपके स्कूल का कोई आइडेंटिफिकेशन हो या कोई और वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड जिसमें फ़ोटोग्राफ हो वो यूज़ हो सकती है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब यूज़ हो सकता है। देखिए ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो इसके बाद दोबारा से फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन नहीं की जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे तो वो लोग कोई भी अपना गवर्नमेंट का, जो मैंने आपको जितने भी आईडी बताए हैं उनको यूज़ करते हुए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।